तो गाइस पिछले 24 घंटों में डब्ल्यू की तरफ से क्या न्यूज अपडेट और रूमर से आइए देखते हैं इस वीडियो में। फाइनली कार रामरेज ने आखिर ये रिवील कर दिया कि ब्लडलाइन का अगला रेसलर कौन होगा यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जैको फातो को लेकर एक सबसे बड़ा अपडेट आया है, क्या वो ब्लडलाइन की तरफ से रहेंगे या फिर सोलो सिको की तरफ से रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेथरॉयल का कुछ इस प्रकार यहाँ पर इंसल्ट हुआ जो की सारे ऑडियंस के सामने। उसके बाद यहाँ पर नाइट ऑफ चैंपियन अनाउंस होने के बाद डब्ल्यू ने काफी गेन कर लिया टिकट मामले में, आइए देखते आखिर कितना कुछ हुआ। उसके बाद कोडी रोड के एंट्रेंस को लेकर काफी बड़ा अपडेट आया कि कोडी रोड का कुछ स्पेशल यहाँ पर एंट्रेंस होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो हर रोज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लड लाइन को लेकर। हालांकि रोमेज को स्मैकडाउन पर रिटर्न करने के बाद उनके साथ एक भी रेसलर नहीं है, न यहाँ पर पॉल हीमन है, न यहाँ पर ब्लड लाइन का कोई भी रेसलर है। तो इस समय रोमेज को लेकर ऐसा रूमर्स निकल के आ रहा है कि रोमेज यहाँ पर एक फीमेल सुपरस्टार को ऐड करने वाले हैं ब्लड लाइन में, और वो करंट टाइम यहाँ पर जिमी उसो की वाइफ है जिनका नाम है नाओमी। वैसे अभी तक तो यहाँ पर फीमेल सुपरस्टार को एक बार भी नहीं देखा गया यहाँ पर ब्लड लाइन में, हो सकता है इस बार नया ट्विस्ट देखने को मिले। उसके बाद अगला फैक्ट यहाँ पर जैको फातो को लेकर। वैसे जैको फातो को लेकर एक सबसे बड़ा अहम अपडेट ये है कि जैको फातो को कुछ ज्यादा ही अर्ली सक्सेस मिल रहा है। हालांकि डब्ल्यू ने यहाँ पर सोलो सिको को उतना बूस्ट नहीं किया था जिस प्रकार यहाँ पर जैको फातो को बूस्ट कर रही है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पर जिला फातो को लेकर। हो सकता है कि जिला फातो एक ऐसे रेसलर बचे हुए हैं इस समय जो यहाँ पर रामेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस इस बार के स्मैकडाउन पे यहाँ पर क्लियरली ये पता चल जाए कि आखिर कौन किसको ज्वाइन करने वाला है और रामेज की न्यू टीम बनेगी या फिर नहीं। उसके बाद गाइस यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट है सेथ रॉलिन को लेकर। तो गाइस एटलांटा में सेथ रॉलिन एक बियर के मैच देखने गए थे, और सेथ रॉलिन यहाँ मैच देखने के दौरान एक ऐसा बंदा आता जो यहाँ पर बैरिकेड के ऊपर से ही धक्का दे देता है सेथ रॉलिन को, और सेथ रॉलिन वहाँ से सीधे गिर जाते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार वो चिल्ला रहे हैं और चिल्लाते चिल्लाते सीधा बैक स्टेज चले जाते हैं, और वो वही बंदा है जिसे हमने मार किया, आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं नाइट ऑफ चैंपियन का टिकट जो सेल हुआ अभी तक कितना हुआ। वैसे कैसे इस बार का जो नाइट ऑफ चैंपियन होने वाला है वो होगा यहाँ पर 14 दिसंबर को, और इसके लिए यहाँ पर 17,000 टिकट अभी तक सोल्ड आउट हो चुका है डब्ल्यू की तरफ से। उसके बाद गाइस यहाँ पर नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज है ऑफिशियली डब्ल्यू की तरफ से, कोडी रोड का कुछ इस प्रकार का यहाँ पर स्पेशल एंट्रेंस होने वाला। आप देख सकते हैं किस प्रकार ऑडियंस यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, और ये एंट्रेंस आपको देखने को मिलेगा जॉर्जिया स्टेडियम में जहाँ बैड ब्लड इवेंट होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ अक्साना जो यहाँ पर कोडी रोड के यहाँ पर थीम सॉन्ग को बैन कर दिया है चलने से 2024 में। उसके बाद नेक्स्ट पिक आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर गोल्डबर्ग और यहाँ पर ब्राउन बेकर का है। गोल्डबर्ग और ब्राउन बेकर एक दूसरे से यहाँ पर मिले थे कल फुटबॉल के गेम में। वैसे इस बार के होने वाले रेसोमेनिया में ये दो मैचेस यहाँ पर काफी पोटेंशियल दिखाई दे रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा मैच यहाँ पर कन्फर्म होने वाला है रेसोमेनिया के लिए। उसके बाद गाइस यहाँ पर ड्राफ्ट को लेकर आया सबसे बड़ा न्यूज, यहाँ पर हो सकता है कि 2025 स्टार्ट होने से पहले एक बार ड्राफ्ट का यहाँ पर सीजन देखने को मिल जाए। उसके बाद नेक्स्ट माइक फोले ने एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए रीसाइन इन द कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। उसके बाद फाइनली आज का लास्ट अपडेट है यहाँ पर डकोटा काय को लेकर। डकोटा काय इस समय इंजरी से बाहर हो चुके हैं, उनका यहाँ पर काफी जल्दी रिटर्न होने वाला है, उन्होंने लिखा था कि सी यू सून। तो गाइस यही रहे आज के सारे न्यूज एंड अपडेट जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से देखा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।